आटा और सूजी का हलवा तो हम अक्सर बनाते हैं आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन के हलवे की रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही टेस्टी हलवा कैसे बनाते हैं वो आप देखेंगे इस वीडियो में तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं सुपर टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाला बेसन का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मेज़रिंग कप से चीनी लिया है चीनी को हम एक पैन में डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे ढाई कप पानी आप इसमें दो कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ढाई कप में हलवा जो है वो सॉफ्ट और स्मूथ बनेगा तो यहाँ पर ना चीनी पानी को मिला के और उसके बाद गैस को ऑन कर देंगे और हमें क्या करना है ना कि चीनी को पिघला लेना है मतलब चाशनी नहीं बनानी है बस चीनी पिघल जाए उतना ही हमें इसे पकाना है तो ऐसे करके जब आप हलवा बनाएंगे ना तो हलवे में मिठास की कंसिस्टेंसी वो बराबर रहेगी और चीनी को पकाने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है गैस को बंद किया अब हम क्या करेंगे कि एक पैन में बेसन ले लेंगे तो यहाँ पे सेम मेज़रिंग कप से एक कप बेसन ले लें और इसे हम ऐसे ही पैन में डाल देंगे घी वगैरह नहीं डालना है सूखा ही डाल दें बेसन को हम तीन से चार मिनट तक ऐसे मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे बेसन को आप तब तक भुनें जब तक कि उससे अच्छी से खुशबू नहीं आने लगे मतलब बेसन भुनेंगे ना तो पूरे घर में सबको पता चल जाएगा कि आप बेसन भून रहे हैं वैसे खुशबू आए मतलब बेसन हमारा भुन गया है तो नॉर्मली क्या करते हैं ना कि हलवा बनाते हैं तो घी डालते हैं उसमें बेसन को पकाते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा क्योंकि बेसन का कच्चापन जो है वो हमने निकाल लिया है यहाँ पर बेसन को अगर आप पहले से भुन के निकाल लेंगे तो हलवा बनाने में आपका समय भी बचेगा साथ में ही हलवा टेस्टी भी बनेगा तब हम क्या करेंगे पैन को क्लीन करेंगे और इसमें डाल देंगे एक तिहाई कप घी थोड़ा सा घी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे घी को गर्म हो जाने दे और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे ये भुना हुआ बेसन अब हम इन दोनों को मिलाएंगे गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें और इसे लगातार ऐसे मिलाते रहें घी में बेसन डालने के बाद हम इसे चार से पाँच मिनट तक पकाएंगे तो यहाँ पे इसे ऐसे लगातार मिक्स करते रहें और यहाँ पे जो हमने चीनी का पानी बना के रखा है ना उसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा केसर डाल देंगे केसर इसमें ऑप्शनल है केसर डालने से हलवे का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पे केसर डालने के बाद इसे ऐसे मिला दें और इसे हम अलग रख देंगे तो यहाँ पे बेसन जो है वो अच्छे से भुन गया ये देखिए इसका कलर जो है वो ऐसे गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा डार्क आ गया है बस यहीं तक हमें बेसन को पकाना था ये आप देख रहे हैं ना बेसन में आपको दाने दिखने लगेंगे जैसे वो अच्छे से पक जाएगा ना घी में तो उसमें आपको ऐसे छोटे छोटे दाने दिखने लगेंगे मतलब बेसन जो है वो अच्छे से पक गया है तो अब इस जगह पे हमें क्या करना है कि ये चीनी वाली पानी डालनी है तो पानी एक साथ नहीं डालें थोड़ा सा पानी डालें और ऐसे मिक्स करें इससे क्या होगा लम्बस नहीं पड़ेंगे मतलब गाँट नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसे ऐसे लगातार मिलाते रहें बेसन जो है वो पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही वो ऐसे फूलने लगता है मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थिक होने लगती है जब भी हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो आप देखेंगे कि बेसन हम कितना कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन कढ़ी जो है वो कितनी ज़्यादा बनती है तो मैंने यहाँ पे एक कप बेसन के लिए ढाई कप पानी का इस्तेमाल किया है अगर आपको सूखा हलवा बनाना है जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं हो तो आप पानी की क्वांटिटी दो कप रखें पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें और इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे बीच में हम क्या करेंगे ना कि दो से तीन बार इसमें घी ऐड करेंगे अगर आपको ज़्यादा घी नहीं पसंद है तो आप यहाँ वाले घी को स्किप कर सकते हैं घी डालने से हलवे का जो टेस्ट होता है ना वो एकदम गुरुद्वारे में जो कड़ा प्रसाद होता है ना वैसा आता है एकदम स्मूद वाला तो घी आपको थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के डालना पड़ेगा अगर आपको ये डेजर्ट जो है वो बहुत ही टेस्टी बनाना है तो यहाँ पे इसे मिला दें और लास्ट में एक चम्मच घी मैं और डालूंगी देखिए ऐसा अभी ये हलवा जो है ना वो एकदम सॉफ्ट दिखेगा लेकिन जैसे ही ये आप गैस बंद करेंगे ना इसकी जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे इसे ऐसे मिला दिया मैंने जब हलवा खुद ही पैन से अलग होने लगे मतलब हलवा जो है वो हमारा अच्छे से पक गया है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पहले हलवा जो है जब हम बना रहे थे तो किनारों पे बहुत सारे ऐसे बेसन के पार्ट्स जो है वो चिपके थे लेकिन जैसे जैसे पकेगा ना वैसे ये सारे निकल जाते हैं और एकदम ऐसे मक्खन जैसा फिसलने लगता है ये देखिए ऐसे तो ये हमारा सुपर टेस्टी हलवा जो है वो बन के तैयार हो गया है तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे तो अभी ये हलवा जो है वो आपको थोड़ा सॉफ्ट लग रहा होगा लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ना मतलब जैसे ही आप गैस को बंद करेंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी बेसन जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है इसलिए हलवे की जो थिकनेस है वो एकदम आप ऐसे ही रखें तो ये हमारा सुपर टेस्टी मुंह में घुल जाने वाला बेसन का हलवा जो है वो बनके तैयार हो गया है तब हम क्या करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने कटे हुए बादाम रखे हैं बादाम को इसके ऊपर ऐसे डाल दें और इसके बाद आप इस हलवे को गर्मा गर्म खाए या ठंडा करके खाए हर रूप में ये हलवा जो है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है तो उम्मीद करती हूँ कि आज के हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें